हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट में। और मेरे साथ मौजूद हैं अथर्वा। अथर्वा गुजरात सूरत से हैं। अथर्वा यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हैं, तो अथर्व आप कुछ अपने बारे में बताएंगे प्लीज़। यस सर, मेरा नाम अथर्व लुहार है। जैसे सर ने बताया, मैं सूरत से आया हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने। मेरे डैड यहाँ पे जॉब करते हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं पे पढ़ ले, तो हमने एज ए कंसल्टेंट सर को चुना था। तो हमको बहुत कोऑपरेशन मिला सर से और फाइनली आई एम इन बुडापेस्ट और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी सिटी है ये। और पढ़ाई भी यहाँ पे अब मेरा स्टार्ट हो गया है यूनिवर्सिटी जाना। तो अच्छा अथर, मैं आप यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपने जब हमारी सर्विसेज ली, आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि मुझे कुछ भी डाउट आता था अपने वीज़ा एप्लीकेशन में या कहीं पे भी, तो मैं आपको कॉल करता था। आप मुझे अच्छे से कोऑपरेट करते थे मेरे साथ, अच्छे से मुझे जवाब देते थे। और अगर आप कभी बिज़ी भी होते थे तो आप मुझे टाइम देते थे, उस टाइम पे आप वापस कॉल बैक भी करते थे। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर मुझे कोई डाउट आता है तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब आप यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने के बाद आपका क्या प्लान है, कुछ सोचा है आपने? जैसे कि मैं तो अभी बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, तो मास्टर्स भी करने का प्लान है मेरा यहीं पे, और फिर अगर पार्ट टाइम भी करता रहूँगा साथ में। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो विदेश में पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, दोज़ हू वांट टू स्टडी अब्रॉड, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एब्रॉड में पढ़ना भी अच्छा है। मतलब यहाँ पे सैलरीज भी हाई होती है, आपका लिविंग स्टाइल भी अच्छा हो जाता है। ये सिटी जैसे बुडापेस्ट में आया हूँ तो यहाँ पे बहुत सब सिस्टमेटिक है और इस वजह से इधर रहना भी अच्छा लगता है। तो ये सब अच्छा, जो हमारी सर्विसेज मैंने आपको प्रोवाइड किया एज अ कंसल्टेंट, उसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी जो आपको हमेशा याद रहेगी इन सर्विसेज के बारे में? इन सर्विसेज के बारे में जैसे सर मैंने पहले भी बोला कि आपका कोऑपरेशन सबसे सही था, क्योंकि मैंने देखा है कुछ एजेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को बहुत बिजी बताते हैं, अच्छे से रिप्लाई नहीं करते टाइम टू टाइम। लेकिन आपके साथ वैसा नहीं था, आप टाइम टू टाइम अच्छे से रिप्लाई करते थे। कुछ डाउट्स आते थे, कितने भी डाउट हो, सिली डाउट्स भी हो, तो आप अच्छे से सॉल्व कर देते थे। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे। थैंक यू अथर्व फॉर टॉकिंग टू अस, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।